पटाखे फोड़ना किसे पसंद नहीं, वहीं बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं। इसलिए आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम पटाखे कैसे बनाए जाते हैं ये दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है। इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई फुलझड़ी के साथ खेलना पसंद करता है। तो चलिए जानते हैं आखिर फुलझड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है। इसके लिए वो तारों को एक लकड़ी से बने सांचे में डालते हैं और फिर दूसरी लकड़ी से पैक कर देते हैं। बाद में सभी को एक लॉक के जरिए पैक किया जाता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। अब इन तारों को एक खास किस्म के पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसके कारण फुलझड़ियां इतने अच्छे से जलती है। इस लिक्विड में डुबोकर निकाल देने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाता है तो फिर से इनको लिक्विड में डुबोया जाता है ताकि ये मोटा हो सके। अब अच्छे से मोटा हो जाने के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। बाद में ये पेस्ट पाउडर पर चिपक कर सूख जाता है और इसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब इन्हें निकाल कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो इनकी साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक से भी बड़ी की जा सकती है। अब बाद में गिनकर इन्हें कार्ड बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और ये देखिए आपकी फुलझड़ी बनकर तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको पटाखों पर बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए फटाफट लाइक वाले बटन को दबाकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बी लेटेड बट विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।